हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। एज यू ऑल नो, इतने सारे लेसन डिस्कस कर चुके हैं अब तक, तो आप लोग मुझे जान ही चुके हैं। अगर आप लोगों को मजा आ रहा है और आप लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं लेसन को, तो कंटिन्यू करते रहिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाए। मैं आप लोगों के साथ यहीं पर ही एक नए लेसन के साथ दोबारा आया हूँ। लेसन नंबर कितना? सेक्स किसका? रियल नंबर्स का। रियल नंबर को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक अपन 5 लेसन रियल नंबर्स के ऊपर पढ़ चुके हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे 5 लेसन कौन से हो चुके हैं, तो 5 लेसन मेरे प्रीवियस लेसन पे जाइए, जहां पर आपको रियल नंबर्स मिलेंगे। उन रियल नंबर्स की फॉर्मेट में आप लोग बहुत अच्छे से पूरे इस चैप्टर को गो थ्रू कर सकते हो। बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में 6 मार्क का चैप्टर है पूरा का पूरा, तो एक होप है हमारे पास कि 6 नंबर अगर मैंने इसको अच्छे से सीख लिया तो मुझे 6 नंबर इजी गोइंग में मिल जाएंगे। तो उसी चीज को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट्स के रेस्पेक्ट में, ताकि हर टॉपिक टू टॉपिक वाइज आप लोग इसको क्लियर कर सको। एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ये रहेगा। नाउ अब अपन नए टॉपिक के साथ आ जाए, जो कि हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या कहता है? ऐसी चीज जो रैशनल नहीं होती उसको अपन क्या कहते हैं? इरेशनल कहते हैं। अब रैशनल क्या नहीं होता? जो पी बाय क्यू की फॉर्मेट में नहीं होते, वो हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो एनी नंबर्स, अ नंबर इज नोन एज इरेशनल नंबर इफ इट इज नॉट रैशनल, अगर वो रैशनल नहीं है, दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड बोथ आर प्राइम नंबर्स। ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए। Where q is never be equal to कितना? जीरो। कौन कौन से हमारे रेस्टल होते हैं? रूट टू, रूट थ्री, रूट 15। अभी थोड़ी देर बाद मैं इनको प्रूव करके बताऊंगा क्यों ये इरेशनल नंबर्स हैं, उनको प्रूविंग भी अपन इसकी देखेंगे। थ्योरम क्या कहती है? जिस थ्योरम की बेसिस पर अपन इसको प्रूव करेंगे, वो थ्योरम है हमारे पास क्या? लेट p be any prime number। p हमारा कोई भी एक प्राइम नंबर है, कोई भी नंबर है, जैसे 2 ले लिया, 3 ले लिया, कोई भी प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p किसी नंबर को, किसी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड कर रहा है, मतलब उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a आल्सो, तो वो उसके सिंगल नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे 5 हमारे पास है, अगर 25 है, 25 को अगर 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो वो भी ऑब्वियसली बात है उससे डिवाइड होगा। तो वही चीज है, p इज अ प्राइम नंबर, एक p डिवाइड अगर a स्क्वायर को कर रहा है, देन p a को भी करेगा, वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर। इस थ्योरम को बहुत दिमाग में रखना, इसी थ्योरम को मैं आगे की तरह बहुत अच्छे से यूज करूंगा और उसको अपन इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अब देखिएगा किस तरीके से मैं आप लोगों को प्रूव करता हूं क्या, कैसे रूट टू हमारा इरेशनल नंबर है। ध्यान से देखना, प्रूव दैट, क्वेश्चन फॉर्मेट में ही बता रहा हूं ताकि आप लोगों को मजा आए क्या करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। रूट टू क्या है हमारा? इरेशनल नंबर। ध्यान से बच्चों समझना, क्योंकि एक ही पैटर्न सबके अंदर अप्लाई करेंगे अपन। जैसे रूट टू को इरेशनल प्रूव करना है, तो उसके लिए जो स्टेप्स मैं फॉलो अप कर रहा हूं, वो स्टेप आपको हर एक के अंदर फॉलो करने, भले वो रूट थ्री हो, भले वो रूट फाइव हो, भले वो रूट इलेवन हो, या कोई भी नंबर हो। तो अगर मुझे इसको रैशनल प्रूव करना है, तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा क्या कि ये रैशनल नहीं है। ये मुझे सबसे पहले, अगर ये रैशनल नहीं हुआ तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा? इरेशनल होगा। तो लेट, वही किया अपने सबसे पहले, लेट रूट टू इज रैशनल। मैंने रूट टू को थोड़ी देर के लिए अगर रैशनल मान लिया, क्या है रूट टू? एक रैशनल है, रैशनल नंबर है, तो इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो रूट टू को मैंने एक्सप्रेस किया कैसे? a बाय किसकी फॉर्मेट में करूंगा? b की फॉर्मेट में, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो होते हैं जो a अपॉन b की फॉर्मेट में होते हैं। अब इस b को मैंने उधर भेज दिया, किधर? इस तरह भेज दिया, रूट टू, b रूट टू इक्वल टू कितना है? अब मैंने दोनों साइड क्या कर दी? स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में क्या कर रहा हूं? स्क्वायरिंग कर रहा हूं। यहां कितना हो जाएगा? 2b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? a स्क्वायर हो गया। अब मैं यहां कह सकता हूं, सिंस 2 डिवाइड ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर के नीचे आ जाएगा, प्रो थ्योरम यूज करो, जो थ्योरम मैंने अभी भी डिस्कस करी है, 2 डिवाइड ए स्क्वायर, सिंस 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए आल्सो, अगर 2 किसको डिवाइड कर रहा है? ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 को जब मैं इसके नीचे डालूंगा तो ए स्क्वायर डिविजिबल होगा। अगर 2 ए को डिवाइड, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 डिवाइड ए आल्सो, वो ए को भी करेगा। नाउ अब अपन ने लेट कर लिया, लेट अपन ने यहां पर मान लिया कि लेट ए की वैल्यू जो है नंबर हो उसी रेस्पेक्ट में मान लो, इस ए को मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए, लेट ए इक्वल टू कितना कर दिया अपन ने? 2c अगर अपन ने यहां पर प्लेस कर दिया है, ए को क्या मान लिया है? 2c अगर अपन ने मान लिया, ए इक्वल टू कितना? 2c।
पुट कर देंगे पुट एन फर्स्ट, इसको फर्स्ट बोल देता हूं, मैंने पुट कर दिया पुट एन फर्स्ट के अंदर डाल दिया, टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह टू सी का क्या होल स्क्वायर, तो टू बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया फोर सी स्क्वायर, टू से ये टू टाइम्स कैंसिल यानी बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया टू सी स्क्वायर। अब इस टू को मैं बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, तो सिंस टू डिवाइड्स क्या हो गया बी स्क्वायर, देयर फोर टू डिवाइड बी ऑल्सो, टू किसको डिवाइड करेगा बी को भी डिवाइड करेगा। आ रही बात समझ में कि मैंने अगर 2 को बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो 2 किससे बी से भी होगा, ये हमारी थ्योरम अभी अभी अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी। एज अब अपन यहां पर कह सकते हैं एज बोथ ए एंड बी हैज इन दोनों के अंदर कॉमन मल्टीपल आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन मल्टीपल आ रहा है, डेट इज कितना 2 आ रहा है, कॉमन मल्टीपल कितना आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है। अगर किसी नंबर में कॉमन मल्टीपल 2 आ रहा है, जो कि मैं जाकर इन दोनों में कभी भी कोई कॉमन मल्टीपल नहीं होता, बट यहां पर आ रहा है क्योंकि ये दोनों नंबर हमारे क्या होते हैं प्राइम होते हैं। एज बोथ ए एंड बी एज कॉमन मल्टीपल डेट इज कितना 2, सो आवर अजम्पशन, हमने जो अजम्पशन किया है हमारा अजम्पशन इज क्या है वो रॉन्ग है, क्या चीज रॉन्ग है डेट इज रूट टू इज रैशनल, दैट इज रूट टू इज रैशनल, देयर फोर रूट टू क्या हो गया इज इरैशनल, क्योंकि वो रैशनल नहीं है तो वो क्या होगा रैशनल होगा। समझ गए बात को, सबसे पहले रूट टू को रैशनल मान लिया, ए अपॉन बी की फॉर्मेट में कर दिया, ए अपॉन बी की फॉर्मेट में क्या है मतलब दोनों नंबर्स क्या है प्राइम है, पर ए का मल्टीपल भी 2 आ गया और बी का मल्टीपल भी 2 आ गया, तो इसने हमारी चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब उसने हमारी जो अपन ने अजम्पशन माना था उसको रॉन्ग कर दिया है। एज बोथ ए एंड बी एज कॉमन मल्टीपल डेट इज कितना 2, सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग डेट इज रूट टू इज रैशनल, तो देयर फोर रूट टू क्या होगा हमारा इरैशनल नंबर होगा। गॉट इट, चीज आ गई समझ में, कैसे करना है क्या करना है बहुत अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत आ रही है तो बताइएगा। आ गया फ्रेंड्स, बहुत अच्छे समझ में आ गया कैसे रूट टू को इरैशनल प्रूव करना है। अब इसी के अंदर मैं थोड़ा थोड़ा चेंज करके आप लोगों को बताता हूं कि अगर कोई और नंबर आए तो उसको भी किस प्रोफाइल पर करना है, ध्यान देना। अगर बाय चांस इस 2 की जगह हमारे पास क्या आ जाता रूट 3 आ जाता कि रूट 3 क्या है इरैशनल, तो अपन क्या करते सिर्फ यहां पर वही सेम पहले की तरह 2 की जगह 3 कर देते, इस 2 की जगह भी क्या कर देते 3 कर देते कि रूट 3 को रैशनल मान लिया, रूट 3 को एक्सप्रेस कर दिया, वही अपन वापस पहले की तरह करते बी को उधर भेज देते तो बी कितना आ जाता रूट 3 आ जाता, वो स्क्वायरिंग कर देते, स्क्वायरिंग करते इस 2 की जगह क्या आ जाता हमारा 3 आ जाता, सिंस ये 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर देयर फोर 3 डिवाइड ए ऑल्सो, 3 किसको डिवाइड कर रहा है ए को भी करेगा, बिल्कुल सिर्फ 2 की जगह 3 मेंशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वही जैसे यहां पर अपन ने 2 सी माना था ऐसे अपन क्या मान लेंगे 3 सी मान लेंगे, 3 सी माना अपन ने वही पहले की तरह स्क्वायरिंग कर देंगे, यहां पर क्या आ जाएगा पुट इन फर्स्ट 3 बी स्क्वायर था, तो 3 बी स्क्वायर यहां पर कितना कर देंगे 3 सी का कितना होल स्क्वायर कर दिया अपन ने, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ए की जगह अपन ने 3 सी प्लेस किया है बस, यहां पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और यहां पर 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 9, तो वो 9 मेंशन कर देंगे। अब 3 से ये 3 कितने टाइम्स कट जाएगा 3 टाइम्स हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 सी स्क्वायर, वही पहले की तरह आ गया। यानी अब इस 3 को अगर मैं इसके साथ डिवाइड करूंगा तो लिखूंगा क्या 3 डिवाइड बी स्क्वायर देयर फोर 3 डिवाइड बी ऑल्सो, वही हमारी थ्योरम अपन ने यहां पर क्या कर दी अप्लाई कर दी। एज बोथ ए एंड बी एज कॉमन फैक्टर, दोनों का कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है हमारे पास 3 आ रहा है, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग दैट रूट 3 इज रैशनल, हमारा अजम्पशन गलत है कि हमने जो माना था कि रूट 3 रैशनल है वो गलत है, देयरफॉर रूट 3 क्या होगा हमारे पास इरैशनल नंबर होगा, रूट 3 इज एन इरैशनल नंबर, क्योंकि वो हमारी चीज को क्या कर रहा है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सिमिलर प्रोसेस में अपन ने किसी को भी कर सकते हैं, भले अब इसकी जगह रूट 5 आ जाए तो 5 3 की जगह 5 को रिप्लेस करते चले जाना, आप लोगों का ये वाला पैटर्न क्वेश्चन एग्जाम में होता चला जाएगा, बोर्ड्स के एग्जाम में डेफिनेटली इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको बहुत ध्यान से करिए और उसको सॉल्व करिए, देखिएगा कैसे करना है इसको बहुत अच्छे से। नाउ अभी तक अपन ने रूट 2 और रूट 3 को इरैशनल प्रूव किया है, बाय चांस अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आ जाए प्रूव दैट 3 रूट 7 इज इरैशनल, तो कुछ नहीं करना वही पहले की तरह अपन सेम मानेंगे, लेट
3 रूट 7 बी रैशनल, इसको क्या मान लेंगे अपन, रैशनल मान लेंगे। सेम पैटर्न है, जरूरी नहीं है कि आगे बस रूट ही एक सिंगल ही टर्म हो, अगर दो टर्म आ जाए तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। वही 3 रूट 7 को क्या लिख देंगे, a बाय b की फॉर्मेट लिख दी जाएगी। ये रूट 7 मैंने यहां कर दिया, a अपॉन में कितना कर दिया, 3b कर दिया। अब जैसे मैंने रूट 2 और रूट 3 को इरेशनल प्रूव करके बताया, सिमिलरली रूट 7 भी हमारा इरेशनल। अगर ये इरेशनल होगा तो ऑब्वियसली बात है इसके इक्वल में जो टर्म है वो भी इरेशनल होगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 रूट 7 भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। एज रूट 7 इज इरेशनल, इरेशनल से किसी को भी मल्टीप्लाई करो, एज रूट 7 इज इरेशनल सो 3 रूट 7 इज ऑल्सो इरेशनल, वो भी हमारे पास क्या होगा, इरेशनल ही होगा। क्योंकि अगर बाय चांस ये रैशनल फॉर्मेट में है पर हमारा एजम्पशन क्या कहता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि रूट 7 तो क्या है, इरेशनल है, तो इसको पूरा इरेशनल प्रूव कर दो पहले आराम से। अगर ये एक बार इरेशनल हो गया तो इसको किसी भी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करो या इसका जो रेशियो होगा वो भी क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल फॉर्मेट में प्रूव हो जाएगा। गॉट इट? आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ अगर इसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा ना आकर के अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए प्रूव दैट 3 प्लस का 2 रूट 5, क्या बोल दे, प्रूव दैट 3 प्लस का 2 रूट 5 इज इरेशनल, उसके अंदर भी आपको सेम प्रोसेस यूज करना है, लेट 3 प्लस का 2 रूट 5 इज रैशनल, इसको आप क्या करोगे, रैशनल मानोगे। रैशनल मानोगे तो वही इसको 3 प्लस के 2 रूट 5 को किसके बराबर रख दोगे, a बाय b के बराबर रख दोगे। यहां से 2 रूट 5 इक्वल टू a बाय b माइनस का 3 आ जाएगा, यानी a माइनस का 3b अपॉन में कितना b, और यहां कितना रूट 5, इस 2 को भी नीचे डाल दो तो कितना 2b। अब चूंकि हमारा रूट 5 जो है, एज रूट 5 इज इरेशनल नंबर, रूट 5 हमारे पास क्या है, इरेशनल। बेटा आप लोगों को सबको प्रूव करना ही है उसी पैटर्न पे जैसे 2 का और 3 का किया, सिर्फ 2 और 3 की 2 की जगह 3 रिप्लेस किया था ना अपन ने, वैसे ही 2 की जगह 5 रिप्लेस कर देना, आपका काम हो जाएगा आराम से, वैसे ही कैसा प्रूव हो जाएगा, तो आपको प्रूव करके दिखाना है ना। एज रूट 5 इज इरेशनल देयरफॉर हमारे पास उसके अंदर कोई भी चीज ऐड करो या सबट्रैक्ट करो, 3 प्लस का 2 रूट 5 इज ऑल्सो, वो भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। गॉट इट? चीज समझ में आ गई, ये इरेशनल, ये पूरा इरेशनल, ये पूरा इरेशनल, तो उसने उस पूरे डेटा को क्या बना दिया, इरेशनल बना दिया। वही चीज अपन यहां पर देखना चाहते हैं जो अपन ने यहां पर देखा, जैसे रूट 2 अगर इरेशनल है, ध्यान देना दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, रूट 2 क्या है, इरेशनल है, तो अगर 1 बाय रूट 2 होगा तो वो भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। ऐसा नहीं है कि उसका रेसिप्रोकल कुछ और हो जाता हो, इसको भी सेम पैटर्न पे ही परफॉर्म करोगे। वही 1 बाय रूट 2 को क्या मान लोगे आप लोग, पी बाय ए बाय बी की फॉर्मेट में, इस बी को ऊपर भेज देंगे और ए और 2 रूट कर देंगे, वही सेम प्रोसेस जैसे अपन ने पहले अप्लाई किया है वो का वही सेम 2 कॉपीड हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर देंगे, बी स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, अगर 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है 2 बी को भी करेगा। वही सेम सारी चीजें एज इट इज स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मेंशन करनी है और उस चीज को यूज करना है, हो जाएगा सब लोगों से बिल्कुल। किस तरीके से रैशनल को प्रूव करते हैं वो हमारे पास यहाँ पर फंडा अपन ने आप लोगों को बता दिया है कैसे करना है। बहुत ध्यान से इस पैटर्न के जितने क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे से कर लो, कोई डाउट आता है तो पूछ लो। नाउ द फ्रेंड्स, नए टॉपिक के ऊपर अपन सामने आते हैं, वही सेम क्या कह रहा है, डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। मुझे नेचर के बारे में बताना है कि हमारे पास अभी तक अपन ने देखा पी बाय क्यू की फॉर्मेट थी, अब मुझे इसका नेचर बताना है। नेचर कैसा होता है, जैसे अपन किसी भी चीज को p अपॉन q की फॉर्मेट में लिखते हैं, अगर p अपॉन q की फॉर्मेट में लिखते हैं जब अपन इसको डिवाइड करेंगे तो या तो वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो अपन उसको कहते हैं जब वो पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो टर्म हमारे पास यहाँ कहलाती है, उसको नेचर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब वो टर्मिनेट हो गया है हमारे पास। ठीक है, जैसे अपन बोले कि 1 डिवाइडेड बाय 10 किया तो कितना आ गया 0.1, तो ये टर्मिनेट हो गया ना 0.1 आ गया। 2 डिवाइडेड बाय 10 किया तो हमारे पास कितना आ गया 0.2 आ गया। ऐसे ही 7 डिवाइडेड बाय 100 किया तो 0.07 आ गया, तो टर्मिनेट हो गया। मतलब ऐसी चीजें जो मेरी टर्मिनेट हो जाती हैं डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्मेट में वो हमारे पास नेचर को इंडिकेट करती है। अगर बाय चांस कुछ टर्म कुछ नंबर हमारा टर्मिनेट नहीं होता है तो उसको अपन दूसरा नेचर कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कहा जाता है। ध्यान में देखना उस चीज को, मैं यहां पर एक्सप्रेस कर रहा हूं। नेचर दो टाइप्स है, टर्मिनेटिंग डेसिमल आर रैशनल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल आर आल्सो रैशनल नंबर्स, वो भी हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल।
अब कैसे पता लगा है कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर चीज एक्सप्रेस करी है, उसको ध्यान से देखिएगा। क्या बोला है? टर्मिनेटिंग डेसिमल आर दोज विच आर इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म। कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है वो हमेशा किस फॉर्मेट में होगी? पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में होगी। जहां पर जो डिनोमिनेटर पार्ट है हमारा क्यू, उसको अपन एक्सप्रेस करेंगे किसकी फॉर्मेट में? टू की पावर एम मल्टीप्लाई बाय फाइव की पावर एन की फॉर्मेट में इसको एक्सप्रेस किया जाएगा। अगर ये इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस हो रहा है मतलब वो मेरा टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग नहीं है। जैसे मैंने एक्सप्रेस किया, एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के सामने, 128 अपॉन में कितना 8, मैंने कोई भी एग्जांपल लिया, या 127 ले लो, 127 अपॉन में 8। अब मैं 8 के फैक्टर करूंगा तो कितना आएगा? 127 अपॉन 2 की पावर कितना आएगा? 3 आएगा। देखो 2 की पावर m की फॉर्मेट आ रही है। अब 5 नहीं आ रहा तो मैं क्या यहां पर लिख सकता हूं? ये 5 की पावर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये मेरे 2 की पावर m और 5 की पावर n में कर दिया। Therefore, it is, ये क्या है? Terminating decimal expansion है। Got it everyone? चीज समझ में आ गई कैसे करना है? तो terminating के बारे में कैसे पता करना है वो अपन यहां से पता करेंगे। जैसे 8 अपॉन 3125 हमारे पास आ गया, तो 3125 के क्या कर लो बच्चों? फैक्टर कर लो बहुत अच्छे से। तो 3125 के अगर मैं फैक्टर करूंगा तो कैसे करूंगा? 5 से जा रहे हैं, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 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
जाएगा 8 अपॉन 5 की पावर 5। अगर दूसरा नंबर नहीं आ रहा है तो 2 की पावर क्या कर दो उसकी जगह 0 कर दो, ठीक है। या फिर एक और बहुत अच्छा तरीका आप लोगों को बताता हूं, अगर इसको करना है तो अगर ये 25 है तो इसको 2 की पावर 5 नीचे कर दो, 2 की पावर 5 से क्या कर दो ऊपर कर दो। ऑब्वियस ही बात है अब ये बन गया 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्मेट में। 8 इंटू 2 की पावर 5 कितना होता है हमारा 32 अपॉन ये 5 टू जा 10, 10 की पावर कितना हो जाएगा 5, 8 टू जा 16, 8 थ्री जा 24 और 25 2 5 6 अपॉन 1, 1 2 3 4 5 तो 0.00256 ये हमारा एक्सप्रेस हो गया किसके अंदर इसकी फॉर्मेट में 0.00256 की फॉर्मेट में। इसको अपन इसके आगे लिख देता हूं, तीन तो हमारे पास है सर ये 0.00256 ये डेसिमल टर्मिनेटिंग कहलाएगा, क्या कहलाएगा ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। बट अब आप लोग सोच रहे हो ऊपर तो मैंने 5 की पावर 0 कर दिया नीचे 2 की पावर 5 कर दिया, ऊपर भी कर सकते हो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 5 की पावर 3 से ऊपर 5 की पावर 3 से नीचे जितनी यहाँ पर सिंगल एक इन दोनों में से कोई भी एक आ जाए बट इन दोनों के अलावा कोई दूसरा नहीं आना चाहिए ये याद रखना, तब तो आप लोगों का बैठ जाएगा वरना वो चीज नहीं बैठेगी। तो उसको ध्यान से देख करके काम करना है। जैसे 53 अपॉन 3 43 आ गया बाई चांस हमारे पास, क्या आ गया 53 अपॉन 3 43। देखते हैं एग्जांपल 53 अपॉन 3 43 को। अब 343 के फैक्टर करने की कोशिश करी तो 343 किससे जा रहा है 7 से करने की कोशिश करी, 7 5 का 35 ज्यादा हो जाएंगे, 7 5 का 7 4 जा कितना 28, 8 63, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 और ये कितना आ गया 7। तो 53 अपॉन क्या लिख सकता हूं मैं 53 अपॉन 7 का क्या मेंशन कर सकते हैं क्यूब, क्या ये 2 और 5 की फॉर्मेट में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, तो मतलब ये क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कहलाएगा। गॉट इट, इसको अपन कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। इसी फॉर्मेट में अगर हमारे पास आ जाए 15 अपॉन 1600 आ गया बाय चांस, क्या आ गया 15 अपॉन 1600 आ गया, देखिएगा 15 अपॉन 1600 आ गया, 1600 के फैक्टर कर लो हो रहेंगे देखो 1600 अपन ने यहां किया 2 8 जा 16 डबल 0, 2 4 जा 8 डबल 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा और 5 कितना 1 2 3 4 5 6 6 2 की पावर 15 अपॉन 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। यस ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। डॉट एट चीज आ रही समझ में, कैसे करना है क्या करना है क्यों करना है किस तरीके से हो रहे हैं वो सब चीजें मैंने आप लोगों के सामने यहां पर बोल दी। एक और एग्जांपल ले लेता हूं 66 अपॉन 180 ध्यान से देखना 66 अपॉन में कितना ले लिया 180 180 के फैक्टर कर लो 180 के फैक्टर करें 2 9 18 0 2 4 8 2 5 कितना 10
3 से कर दो, 3 1 3 5 3 5 15 5 4 1, ठीक है। अब देखो इसको 66 अपॉन क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब बेटा आप लोगों को सब दोस्तों मैंने बताया कि 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्मेट में होता है, बट यहां तो नहीं आ रहा, यहां पर ये 3 बीच में हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म आ गई, तो ये चीज क्या कहलाएगी हमारी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कहलाएगा। गॉट इट एवरीवन, चीज समझ में आ गई। ये हमारे पास कहलाता है, नेचर के बारे में बताता है किसी भी रियल नंबर के, और उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं वो अपन ने यहां पर बहुत अच्छे से देखा। ये था हमारा टोटल रियल नंबर्स का पार्ट, जहां पर अपन ने अलग अलग प्रोफाइल डिस्कस करी। पहली प्रोफाइल हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्मेट में थी, दूसरी प्रोफाइल अपन ने एलसीएम और एचसीएफ की फॉर्मेट में डिस्कस किया, तीसरी हमने कुछ लैंग्वेज क्वेश्चंस को भी इसके अंदर देखा है, फिर अपन ने नंबर्स को इरेशनल और रैशनल के रेस्पेक्ट में डिस्कस करा, और चौथा हमारे पास क्या कहलाता है, नेचर के बारे में, जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में आता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में, आई होप सो। ये मेरी देख रहा हूं मैं अपने तरफ से कि अगर मैं आप लोगों के लिए कुछ कर रहा हूं तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से हो रहा है। अगर आप लोग को भी अच्छा लगता है लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको अगली चीज के बारे में पता चल जाए। नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के मैं आपको कुछ समय के बाद वापस आऊंगा, तो नेक्स्ट चैप्टर जो भी आपको अगर होप्स हो, अगर आपका कोई रेडिएट चैप्टर है और आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ना है और डिस्कस करना है, तो प्लीज मुझे मैसेज करिए, मुझे बताइए कि सर हमें ये वाला चैप्टर डिस्कस करना है और हम ये वाला चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, तो अगर पॉसिबिलिटी हुई डेफिनेटली आई हैव टू मैनेज द चैप्टर, और आप लोगों के सामने वो जरूर आएगा। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, डॉक्टर गौरव विजय, ध्यान से याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।